हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टोमेटो सूप, जिसे आप किसी भी मौसम में और कभी भी बना के पी सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। इसके लिए आप सबसे पहले ले लें ताजे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर कुछ 8 से 10 टमाटर यूज किए हैं। याद रखिएगा कि आप यहाँ पर हाइब्रिड टमाटर बिल्कुल भी यूज मत करिएगा। टमाटर अच्छे से पके हुए और रस वाले होने चाहिए। तो यहाँ हम पहले इसे कुकर में पकाएंगे। इसे पकाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। तो टमाटर को आप रफली काट लें। कुकर में इसके साथ हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां और 2 इंच टुकड़ा अदरक का। अदरक को आप पहले छील लें और बारीकी से काट कर डाल दें। इसके साथ आप इसमें फ्लेवर के लिए डालें 1 तेज पत्ता, 1 इलायची, 2 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च। तो सूप को गाढ़ा बनाने के लिए और क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम आकार का आलू। आलू को आप छील लें और उसे रफली चॉप करके इसमें डाल दें। इससे जो सूप है वो बहुत ही अच्छा क्रीमी टेस्ट आता है, जैसे हम रेस्टोरेंट में पीते हैं। तो टमाटर को जल्दी गलाने के लिए और पकाने के लिए इसमें आप डाल दें अपने स्वाद के अनुसार नमक। तो जितना भी आपको सूप में नमक चाहिए आप उसे यहीं पर डाल लें और फिर उसके बाद आप उसमें डाल दें 1 ग्लास पानी। ये सूप बनकर बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी होने तक अच्छे से पका लें। कुकर का प्रेशर आप अपने आप जाने दें और ये देखिए टमाटर और आलू कितने अच्छे से गल चुके हैं। अगर ये ना गले हो तो आप इसे 1 और सीटी पका सकते हैं, बट ये 1 सीटी में अच्छे से गल कर रेडी हो जाते हैं। और अब बारी आती है इसे छानने की। तो आप एक छन्नी लें और इसे अच्छे से छान लें। टोमेटो सूप हमारे घर में तो सबको बहुत ही पसंद है। पहली बात तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और दूसरी बात कि ये सेहतमंद भी बहुत होती है। तो आप टमाटर और आलू को यहाँ पर पहले ठंडा कर लीजिएगा। इसमें से आप ये जो तेज पत्ता है वो हटा लीजिएगा और ठंडा होने के बाद हम इसे अच्छा मिक्सर में पीस लेंगे। याद रखिएगा कि आप इसे गर्मा गर्म ही मिक्सर में मत पीसिएगा, नहीं तो ये मिक्सर से बाहर निकल जाएगा। तो इसे हम अच्छा फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसे अच्छा फाइन पेस्ट बनाने के लिए इसका जो पानी हमने निकाल के रखा था वो डालकर भी आप इसे अच्छे से पीस सकते हैं। और ये देखिए इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो इसे एक बार और हम अच्छे से छानेंगे ताकि जो टमाटर के छिलके या बीज है वो इसमें से अलग हो जाए और ये सूप पीने में बहुत ही अच्छा क्रीमी लगे। आसानी से छानने के लिए आप इसमें ये पानी भी मिला सकते हैं, तो ये अच्छे जल्दी से छन कर रेडी हो जाएगी। तो देखिए इसको आप ऐसे इस तरीके से छन्नी में डाल लें। आप चाहे तो ये स्टेप 2 बार भी कर सकते हैं। तो जो पहले हमने छाना था और जिसमें पानी अलग किया था वो पानी के ऊपर ही मैंने छन्नी रख कर इसे अच्छे से छान लिया है ताकि वो पानी पूरा यूज हो। और ये देखिए इसमें से जो टमाटर के बीज और छिलके अच्छे से छन कर अलग हो चुके हैं। नहीं, अभी ये सूप रेडी नहीं हुआ है। तो सूप के लिए हम पहले ये करेंगे कि कढ़ाई आप ले लें और उसे मीडियम फ्लेम में रखें। उसमें आप डालें 1 बड़ा चम्मच बटर। आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसमें शुद्ध देसी घी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अगर आपको तीखा बहुत ज्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और याद रखिएगा कि जो ये बटर है वो बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। तो जैसे ये हल्का सा पिघले आप उसमें डाल दीजिए जो छना हुआ टमाटर का पानी हमने निकाल के रखा हुआ था। और इसे हमें मीडियम फ्लेम में ही उबालना है। देखिए सूप में ना हमने कलर डाला है ना तो कोई एक्स्ट्रा क्रीम डाला है, पर इसका कलर कितना अच्छा आया है, इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाकर सूप पीते हैं बिल्कुल वैसा ही है। और ये देखिए तकरीबन 5 मिनट के बाद इसमें अच्छे से उबाल आने लग गया है। ये सूप बनाने में मुझे 20 से 25 मिनट ही लगे हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए इसका टेक्सचर, ये कितना अच्छा हल्का गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बिल्कुल राइट टेक्सचर है इसका पीने के लिए। तो सिर्फ एक आलू मिक्स करने से और कुछ खड़े मसाले मिक्स करने से ये घर पर ही बनकर कितने आसानी से रेडी हो चुका है। तो आप एक बार ये सुपर फास्ट और सुपर हेल्दी सूप बनाकर जरूर देखिएगा और मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।